तो गाड़ी में बैठते हैं। बाकी यार ये ईद की शॉपिंग वगैरह करनी ये वो आज तो फिर बहुत बिजी डे, इफ्तारी भी आज बाहर ही करनी है। बाकी यहाँ पे जी मरी ये गम खा रही है, कौन सी ये वाली गम है, आइस, ये बबल गम आइस एक्सेल की है। मेरा ख्याल मुझे नाम नहीं पढ़ना आता है इसका, लेकिन मेरा ख्याल एक्सेल है। ये जी विंटर फ्रेश मिंट, ये फ्रेंच में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बाकी यार ये मेरे बाबा खाते हैं जब वो काम पे वगैरह जाते हैं, तो ताकि वो मिंटी फ्रेश रहे। लेकिन भाई साहब गर्मी इतनी ज्यादा यार, बैठा ही नहीं जा रहा गाड़ी में। ये देखें जी इतनी ज्यादा गर्मी है। देखे माहम के लिए अभी चूज कर रहे हैं कौन से कपड़े। अभी वॉच का हम लोग ढूंढते हैं कि कोई फ्रेश मिल जाए, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कॉटन कैंडी आ गई, वो ये देखें इतनी बड़ी। ये ट्राई करते हैं जी, सलाम अलैकुम। ओवा इतना बड़ी है, मुंह में बाइट नहीं आ रही। चांद रात है और ईद तो स्टार्ट हो गई है यार। हम लोग दोबारा आ गए बोनांजा। ये देखिए ये बोनांजा, पता नहीं क्या है ये बोनांजा। यहाँ पे कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे बाबा का देख रहे। और बाकी यार ईद मुबारक। ठीक है, वो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको जी ईद मुबारक। वैसे यार यहाँ पे लेडीज का ही है ज्यादातर, हम लोग अब मेंस पे जाके चेक करते हैं। यहाँ मेरी ये मैरून कलर में, ये पता नहीं कौन सा कलर है, ये एक ब्लू नहीं ग्रे वाला कलर है। और बाकी यार मेरी वो तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है। B-tales, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई लेकिन ईद कल को है, मजे करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ बीवर टेल है क्या। इतनी रौनक ये देखे यार, इतनी मुश्किलों से पार्किंग मिली है देखे। नहीं पता बीवर टेल जी एक ब्रेड होती है, उसके ऊपर न्यूटेला होती है और वो आप जो मर्जी टॉपिंग वगैरह लो और वो आपको देंगे। सिर्फ एक न्यूटेला ब्रेड है लेकिन टॉपिंग के साथ। जो यू गाइस नो आई एम गोना गेट द ब्राउनी वन। मेरी तबीयत बहुत डाउन है क्योंकि पता नहीं किस तरह हो गया लेकिन हो गया। ईद मुबारक जी नेक्स्ट डे हो गया और यहाँ पे देखिए यार कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं। ये देखिए जरा ये शलवार कमीज पहनी और साथ में अपने शूज। बाकी यार एज यूजुअल हम लोग जी आ गए हैं तबाक पे, तो अब देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। यार अभी नाश्ता वगैरह करके हम लोग आ गए डेरी क्वीन कह रहा हूँ डेरी क्वीन। तो यहाँ से आप ब्राउनी आइसक्रीम वगैरह लेंगे और फिर मजे करेंगे। यहाँ पे यार धूप देखे आप कितनी ज्यादा, आज इतना दी था, आज मुझे लगा बारिश वगैरह हो रही है लेकिन
और तो धूप ने कमाल कर दी, तो अब थोड़ी देर में जी हमारा आएगा और फिर हम लोग खा के फिर घर जाएंगे। यार अब हम लोग आ गए जी वेस्टर्न ग्रिल हाउस, यहाँ पे हम लोग जी पहले भी आए हैं लेकिन उसका फिर भी नेम नहीं मुझे पता, तो अब देखते हैं इधर है क्या। यहाँ पे स्टेक वगैरह ही है मतलब, और क्या होना है। एंटर करने का टाइम हो गया तो लेट्स गो एंटर जी करते हैं। और यहाँ पे जी वी हैव एंटर्ड वेस्टर्न ग्रिल हाउस, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि टेबल वगैरह सेट होगा, क्योंकि वी हैव 20 पीपल इन आवर फैमिली, तो अब वेट करते हैं, अब वेट करते हैं और फिर टेबल कॉल बात करते हैं। यार वेट कर रहे लेकिन अभी मेरी टेबल साफ हो। यार घर जी हम लोग आ गए हैं और देख सकते हैं सोने वाले कपड़ों में हम लोग जी आ गए, देखे फुल सोने शोने की तैयारी। और अभी टाइम क्या हुआ रात को का 4 o'clock हो गया। मरी हम देख रहे हो तो अभी सो ही गई है, तो मेरी भी अब आप देख सकते हैं आंखों में नींद। ईद ठीक गई, फिर भी पाकिस्तान में अपने नाना नानी मामू कज़न जी ये सारे सबको मेरे दोस्त वहाँ पे थे सबको मिस किया, फिर भी अल्लाह का शुक्र ठीक गई। तो इस व्लॉग का जी करते हैं एंड, आई होप यू कैन लाइक दिस व्लॉग, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।